हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप सीरीज का ये पार्ट 9 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोटोशॉप में आगे के टूल्स। फोटोशॉप में हमने मार्क्यू टूल, मूव टूल और मैग्नेटिक रेसर टूल और क्रॉप टूल, ये सारे टूल हम पिछले वीडियो पार्ट 8 में देख चुके हैं और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ हेलिंग ब्रश टूल से, इस ब्रश से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ फोटोज ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें पहला जो टूल है वो है हेलिंग ब्रश टूल। हेलिंग ब्रश टूल क्या करता है? तो हेलिंग ब्रश टूल जो होता है ये कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप इस ये पिक्चर साइड में बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इस टूल को चलाने के लिए, इसका साइज वगैरह बड़ा करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं ब्रश का। ये एक प्रकार का ब्रश होता है, इसमें हमको जितने भी टूल मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रश से रिलेटेड है। ये हीलिंग ब्रश टूल एक प्रकार का ऐसा ब्रश होता है जो कि कुछ इस तरह से चलता है कि आप अल्टर बटन के साथ पहले उस इमेज पर क्लिक करते हैं, अल्टर के साथ क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमने अल्टर के साथ ये साइन, जब अल्टर बटन दबाएंगे आप तो ये इस तरीके का साइन बन के आएगा और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो होगा ये कि जहाँ पर आपका माउस था यानी जहाँ पर आपने क्लिक किया है वहाँ की इमेज कैप्चर हो गई एक तरीके से और फिर बिना अल्टर के साथ अब आप इस ब्रश को जहाँ भी चलाएंगे तो वो इमेज बनती चली जाएगी। तो ये होता है हेलिंग ब्रश टूल और इसको आपको बनाना है और जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे तो होगा ये कि वो पिक्चर जो है बैकग्राउंड में छिप जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि इस इमेज को हमें यहाँ इस बैकग्राउंड पर बनाना है। एक चीज़ और, ये जब हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो अल्टर बटन के साथ पहले हेलिंग ब्रश टूल लेंगे, फिर उसके बाद अल्टर बटन के साथ हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो इमेज कैप्चर हो जाएगी। फिर चाहे तो हम उसी इमेज पर बना सकते हैं और या फिर नई इमेज पर, यानी किसी दूसरी इमेज पर भी हम उसको बना सकते हैं, यानी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पर चला रहे हैं तो वो इमेज यहाँ पर बनती चली जाएगी और फिर जैसे ही हम क्लिक छोड़ेंगे ये, अब हम जैसे ही क्लिक छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसी बैकग्राउंड में छिप जाएगी, यानी उस बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस होगी वो इस इमेज पर आ जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस इमेज देखिए, यहाँ पे हमने इस इमेज को यहाँ पे बनाया था, इसको मैं कट कर देता हूँ, तो इस पर जो ब्राइटनेस आई थी वो इस बैकग्राउंड की आई थी, बट यहाँ पर जो ब्राइटनेस आई है वो इस बैकग्राउंड की आई है। एक बार और इसको ट्राई करते हैं किसी दूसरे इमेज के साथ में। यहाँ पर मैं अल्टर बटन के साथ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और फिर उसके बाद बिना अल्टर के साथ किसी भी इमेज पे इसको मैं बना रहा हूँ, यानी ड्रैग कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ से मैंने इमेज कैप्चर किया था वहाँ पर प्लस के साइन के साथ में यहाँ पे वो भी चल रहा है, बता रहा है कि कहाँ की इमेज इधर बन रही है। तो आई थिंक ये देखिए आप यहाँ पे, और जैसे ही हम क्लिक छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसी बैकग्राउंड में छिप जाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा और हेलिंग ब्रश टूल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइड के थोड़े हेयर हैं ये हटाना चाहते हैं तो इसमें एक टूल होता है हिस्ट्री ब्रश टूल, इसी अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल। तो इस ब्रश टूल को लेकर के और फिर ये डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं और फिर आप ये हटा सकते हैं इस तरह से। अभी हम हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में आगे देखेंगे। फिलहाल हीलिंग ब्रश टूल हो गया, अगला टूल है पैच टूल। पैच टूल से क्या होता है, इस इमेज को मैं जूम कर लेता हूँ। पैच टूल एक ऐसा टूल है जिसको हम चलाने के लिए, मतलब कहीं से भी अगर हम इस तरह से सिलेक्शन करते हैं और इस सिलेक्शन को जहाँ कहीं भी हम अगर ड्रैग करके छोड़ते हैं तो वहाँ की जो इमेज होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं अगर इस आइस को उठा करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ
तो वहाँ की इमेज यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको उठा के आइस पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ की पिक्चर वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि चेहरे पे कई सारे स्पॉट बने हुए हैं, दाग धब्बे हैं और उनको हटाना है, तो उसके लिए हम पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रश टूल से, ये ब्रश टूल है, ब्रश जिससे हम कलर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक स्पॉट लगा देता हूँ कहीं भी। जैसे ये मान लीजिए ये स्पॉट है चेहरे पर, किसी भी कलर के हों इससे नहीं फर्क पड़ता। अब आप यहाँ पर पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे और एक पैच टूल से सिलेक्शन करेंगे उस स्पॉट को सेलेक्ट करके, और कहीं मतलब जो सॉफ्ट स्किन है वहाँ पे छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, वो स्पॉट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ये काम ऐसे कर रहा है कि इसको मैं जहाँ भी छोड़ रहा हूँ वहाँ की स्किन उस जगह पे चली जा रही है इस तरह से, इसलिए जो स्पॉट है वो हट जा रहे हैं। ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्पॉट को हटाने के लिए। ये क्लीन हो गया, तो ये दोनों टूल आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल का इस्तेमाल आप कलर करने के लिए कर सकते हैं ब्रश टूल, और इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साइज छोटा राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टूल आ जाएगा जहाँ से साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कई सारे ब्रश की स्टाइलें दी गई हैं, जैसे अगर हम इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए, तो ये कैसे कलर कर रहा है, देखिए इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से कलर कर रहा है। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से कलर कर रहा है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और नीचे जाते हैं, और यहाँ पर ये बहुत सारी स्टाइलें दी गई हैं जिनका जो बॉर्डर है वो ब्लर है। आप देख पा रहे होंगे इस ब्रश में जो बॉर्डर इसका था वो एकदम क्लियर था, लेकिन जो नीचे की ब्रश स्टाइलें हैं उसका जो बॉर्डर है वो एकदम ब्लर है। तो अगर इस ब्रश का इस्तेमाल आप करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए क्या हो रहा है, तो इसका जो बॉर्डर आ रहा है वो ब्लर आ रहा है। तो ये ब्रश मतलब जहाँ पर आपके जिस तरीके की टूल की ज़रूरत हो, यानी जिस प्रकार के ब्रश की ज़रूरत हो, आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कलर्स भी सेट कर सकते हैं कि जो ब्रश हम चला रहे हैं वो जो कलर तो यहाँ से सेट कर लेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग यहाँ ऊपर कर सकते हैं कि इस जो कलर है वो कितना डार्क या कितना लाइट होना चाहिए। तो ऑपेसिटी अगर इसके आप 100% कर देते हैं तो ये एकदम से डार्क कलर फिल करेगा, और अगर आप इसकी ऑपेसिटी कम कर देते हैं तो ये हल्का कलर करेगा, यानी ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी सेट मतलब फ्लो सेट कर सकते हैं। तो फ्लो तो 100% है फिलहाल। फ्लो क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो कलर हमने फिल किया है ये 100% पे किया है। एक बार और इधर साइड में कर लेते हैं, तो ये 100% फ्लो का कलर है। अगर इसको हम फ्लो कम कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर कलर करते हैं तो ये देखिए लाइट कलर हो रहा है। तो ये होता है फ्लो। फ्लो और ऑपेसिटी लगभग एक जैसा काम करते हैं। यहाँ पर मैं दोनों को अगर 100 कर देता हूँ तो ये एकदम से डार्क कलर फिल करेगा। कोई भी कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ब्लू ले लिया हमने, तो ये देखिए। और ब्रश की स्टाइल अगर हम इसमें से फर्स्ट वाली लेते हैं तो ये उसी तरह से वर्क करेगा, यानी कि जो बॉर्डर होगा एकदम क्लियरली नज़र आएगा। तो यहाँ पर ब्रश टूल आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसमें बहुत सारी डिज़ाइन भी दी गई है, जैसे आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये राइट क्लिक करके अगर आप साइज बड़ा करते हैं तो ये जो लीव है ये बड़ी बनेगी, और कलर आप यहाँ से जो सेट करेंगे उस कलर में ये बनेंगी। और बाकी अगर और स्टाइल लोड करना चाहते हैं यहाँ ब्रश में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें आपको चले जाना है लोड ब्रश। लोड ब्रश में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट या इसमें से किस कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट में थोड़ा सा और भी अच्छे इफेक्ट होते हैं, तो वहाँ से उसको लोड कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें रोज़ वगैरह के फ्लावर भी आ चुके हैं। अब अगर इसका साइज बड़ा करके कहीं भी आप रोज़ बनाएंगे तो ये इस तरह से रोज़ भी बनेगा। किसी भी कलर में बना सकते हैं आप, यहाँ से कलर चेंज करके उस कलर में बना सकते हैं जिस कलर में चाहें। जो कलर वहाँ लगा होगा, जो आपका रोज़ होगा, वो उसी कलर में बनेगा। एक बार क्लिक करेंगे तो हल्का बनेगा, दूसरी बार उसी जगह क्लिक करेंगे तो थोड़ा और डार्क होगा, तीसरी बार में और डार्क होगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। कोई दूसरा इमेज लेते हैं, ये काफ़ी मतलब वो हो गई है। तो आई थिंक ब्रश टूल समझ में आ गया होगा।
ब्रश टूल से एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें हमें ब्लू कलर की हल्की ब्राइटनेस डालनी है तो क्या करेंगे? तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी टूल ले लीजिए, मैंने यहाँ पर ये ब्रश ले लिया, और इसका जो साइज है वो बड़ा कर दीजिए एकदम फुल, ये हो गया फुल। फिर अभी क्लिक नहीं करना है, अब आप कलर सेट कर लीजिए जो भी, मान लो ब्लू कलर की साइन डालनी तो ब्लू कलर ले लिया, और यहाँ से इसकी ऑपेसिटी जो है वो कम कर देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक ब्लू कलर के साइन इस टाइप से पड़ जाएगी। हुआ क्या, इसमें ब्लू कलर फिल हुआ है, और किस तरह से, तो ऑपेसिटी उसकी हमने कम कर दी इसलिए हल्का कलर फिल हुआ है। और कम करना है तो आप कंट्रोल जेड से वापस चले आइए और फिर से थोड़ा कम करके और फिर क्लिक कर दीजिए, तो ये ब्लू कलर की साइनिंग पड़ जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम ब्रश का इस्तेमाल कई जगह पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल भी कुछ उसी तरीके से है जैसा कि ब्रश होता है। अगर पेंसिल का साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो उसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा। पेंसिल भी कुछ खास नहीं है, मतलब ब्रश और पेंसिल दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें दोनों टूल हो गए आपके, और ये दोनों टूल भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला टूल है क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल से क्या होता है, मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्लोन स्टेम टूल से। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हीलिंग ब्रश टूल के बारे में देखा था, हीलिंग ब्रश टूल क्या कर रहा था कि जब हम अल्टर के साथ किसी इमेज को कैप्चर करते थे और उसको बनाते थे तो वो बन तो जाती थी, साथ में क्या होता था कि वो बैकग्राउंड में छिप भी जाती थी। ये देखिए बैकग्राउंड में हाइड हो गई, मतलब बैकग्राउंड की ब्राइटनेस बढ़ गई। क्लोन स्टेम टूल भी इसी तरह से वर्क करता है। डिफरेंस क्या है कि बस ये बैकग्राउंड में नहीं छिपता, यानी बैकग्राउंड की ब्राइटनेस नहीं बढ़ती। अगर अल्टर के साथ यहाँ क्लिक करेंगे और फिर अगर इसको बनाएंगे हम नए यहाँ पर, तो ये होगा क्या कि ये इमेज तो बनेगी लेकिन ये बैकग्राउंड में हाइड नहीं होगी। ये देखिए बैकग्राउंड में हाइड नहीं हुई है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है क्लोन स्टेम टूल। उसके बाद अगला है पैटर्न स्टेम टूल। पैटर्न स्टेम टूल से क्या होगा कि पैटर्न आप फिल कर सकते हैं कहीं भी। ये देखिए किसी भी इमेज में या कहीं भी पैटर्न फिल कर सकते हैं, और इसकी भी ऑपेसिटी मतलब अगर आप कम कर देंगे तो ये हल्का पैटर्न फिल करेगा। ये देखिए ऐसे इस तरह से, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न कैसे फिल किया जाएगा। पैटर्न की स्टाइलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, कई प्रकार के पैटर्न दिए गए हैं, कोई भी स्टाइल लेकर के आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये टूल हो गया, और फिर अगला है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल से क्या होता है कि जैसी फाइल से हमने इमेज को ओपन किया था, अगर आप इसको चलाएंगे तो हिस्ट्री यानी कि ये पीछे चला जाएगा। अगर जब हमने इस इमेज को यानी इस इमेज को ओपन किया था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो बस वैसा ही कर देगा। अगर आप हिस्ट्री ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीज़ें हटा देगा जो आपने ऊपर से बाद में की हैं डिज़ाइन वगैरह। इस पर भी चलाएंगे तो इस पर भी वही चीज़ होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है। आप इसको जितनी एरिया में चलाएंगे केवल उतने एरिया का ही है हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में चला जाएगा वापस। उसके बाद है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश से क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से काम करता है, मतलब एक प्रकार का इफेक्ट ही है ब्रश ये, मतलब गीला कर देता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब वाटर जो है वो फैल गया है। ऑपेसिटी अगर कम करते हैं तो ये हल्का चलेगा इस तरह से, हल्का हल्का काम करेगा। ये कलर को आपस में मिक्स कर देता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे वाटर जो है वो फैल चुका है। कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्ट वगैरह को। फिलहाल इसको हटाते हैं हिस्ट्री बेस्ड टूल से, और फिर इस वीडियो में हमने यहाँ पे चार टूल देखे हैं, और अगले वीडियो में ये आगे के टूल भी हम कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।